फिरकी का जादूगर कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉन के निधन से दुनिया भर में शोक का माहौल है। दुनिया को अलविदा कह चुके शेन वॉन को सोशल मीडिया के जरिए बॉलीवुड सेलेब्स भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ शेन वॉन की दोस्ती थी, लेकिन क्या आपको पता है कि शेन वॉन पर बायोपिक बनने वाली थी? ये बात खुद शेन वॉन ने एक इंटरव्यू के दौरान शेयर की थी। इससे पहले कि हम उस पर बात करें, अगर आपने हमारे चैनल एन एन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह चुके शेन वॉन को उनके थाईलैंड विला में मृत पाया गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें याद करते हुए पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता तो आने वाले समय में शेन वॉन की फिल्म बॉलीवुड में दिखाई दे सकती थी। दरअसल साल 2015 में न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में शेन वॉन ने बताया था कि उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला था जिसमें उनके लायक रोल भी था। वहीं एक दूसरे इंटरव्यू में शेन वॉन ने बताया था कि एक भारतीय प्रोडक्शन कंपनी उनकी बायोपिक बनाना चाहती है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए फिल्म को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। इस साल शेन वॉन की फिल्म पर काम शुरू हो सकता था। शेन वॉन ने बताया था कि फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे साल 2008 में मैंने राजस्थान रॉयल्स टीम को खड़ा किया। फिल्म में ड्रग्स, सेक्स, रॉक एंड रोल सब कुछ होगा। मैं चाहता हूं कि लियोनार्डो डिकैप्रियो या फिर ब्रैड पिट मेरा किरदार निभाएं। शेन वॉन ने 1992 में ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेला था और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 350वें खिलाड़ी बने थे। शेन वॉन ने अपना अंतिम टेस्ट मैच जनवरी 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।